स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न कुंडली का चौथा भाग लेकर हाजिर। तीन पार्ट प्रश्न कुंडली पे मैं डाल चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये प्रश्न कुंडली पे जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। मैं ये वीडियो ऐसे कतई बनाने की कोशिश नहीं कर रहा जिससे कि सिर्फ व्यू आए और अंदर से सत कुछ ना निकले। ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूं ये YouTube पे पड़े रहेंगे, महीनों पड़े रहेंगे, सालों पड़े रहेंगे और सीखने के इच्छुक लोग इसे देखते रहेंगे। ये वीडियोस जो है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी स्थिति नहीं बनाएंगे। इसलिए वीडियोस का जो लेक्चर है मैं काफी सीरियस लेवल पे रख रहा हूं, कोई भी चमकदार बात इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप प्रश्न कुंडली को और ज्योतिष को अगर गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए, प्रथम भाव से ही यानी प्रथम पार्ट से ही ध्यान से देखना शुरू कीजिए और जो मैं अभी डाल रहा हूं इसे भी पूरे ध्यान से सुने समझे और ज्योतिष की गहराई को, ज्योतिष के स्पिरिचुअल लेवल को समझने की कोशिश करें। प्रश्न कुंडली को लेकर एक और तर्क एक मित्र ने दिया कि प्रश्न कुंडली का फल मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि एक साल वैरी करता है, उस मित्र ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्रश्न कुंडली का जो इफेक्ट है वो सालों तक भी है। बात उनकी गलत नहीं है, लेकिन मूल गलत बात इसलिए है कि प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल सिर्फ त्वरित प्रश्नों के उत्तर के लिए ही किया जाता है। 10 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा उसके लिए प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल अमूमन नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाँ सही है कि प्रश्न कुंडली लंबे फलादेश के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो प्रश्नों के क्वालिटी पे डिफरेंट यानी निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि क्या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो वो प्रश्न कुंडली का जो उत्तर उसे दिया जाएगा वो उसको लाइफ लॉन्ग वेरी कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। और ज्यादातर जैसा मैंने कहा कि प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल त्वरित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही किया जाता है कि इस घटना का फलाफल कितनी देर में आएगा। यूं तो ज्योतिष के अनुसार सही बात है कि दिनों का फल चंद्रमा, महीनों का फल सूर्य, सालों का फल बृहस्पति और दशकों का फल के लिए, दशकों मतलब 10 साल से ऊपर के प्रश्न का फल के लिए आप शनि को फॉलो कर सकते हैं। शनि देव 30 साल में पूरा चक्र घूमते हैं, तो दशकों के लिए शनि, सालों के लिए बृहस्पति जो 12 साल में 12 राशियां घूम लेते हैं यानी एक साल में राशि घूम लेते हैं। तो समझ रहे हैं आप, ये बेसिक पॉइंट है। लेकिन एक्चुअली विवाह से संबंधी प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, नौकरी से संबंधी प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है जातक भी त्वरित चाहता है, ज्योतिष को भी इन प्रश्नों का उत्तर त्वरित देना चाहिए। आप कह देंगे 4 साल बाद तेरा होगा तो तू जा अपने घर, तो वो कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली फलादेश का। तो बेसिकली नौकरी से संबंधी, विवाह से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये ज्योतिष का नियम है, मैं इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, भटकिए मत। प्रश्न कुंडली में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है एक साल वैरी इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा को बेस करके प्रश्न कुंडली का उत्तर एक्चुअली ज्यादातर दिया जाता है। क्योंकि केपी होरारी बताऊंगा तो इस बात को मैं ज्यादा आपको समझाने में कामयाब हो पाऊंगा, क्योंकि चंद्रमा के जो रूलिंग प्लैनेट्स लिए जाते हैं यानी चंद्रमा को लिया जाता है, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड लिया जाता है, तो उस वजह से चंद्रमा का रोल बहुत जबरदस्त है प्रश्न कुंडली के दौरान। चलिए बेसिक को समझिए। सबसे पहले प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल क्या किसी भी वक्त कहीं भी किया जा सकता है? नहीं, ये एक बहुत मूल बिंदु है, मूल पॉइंट है जिसे आप समझिए। प्रश्न का समय, प्रश्न का स्थान
और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अपना स्वर। अपना स्वर का मतलब है कि नाक से जो हम सांस लेते हैं उससे संबंधित है, इसको मैं बताता हूं बाद में। पहला प्रश्न का समय, प्रश्न पूछने वाले को भी किसी भी समय प्रश्न नहीं पूछ लेना चाहिए। मतलब कि अब मैं इसको हास्यकर तरीके से बताऊंगा कि कोई व्यक्ति टॉयलेट में बैठा हुआ है तो आप बाहर से पूछ उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो समय का आपको ख्याल रखना होगा। आप रात को 2 बजे किसी को सोते से उठा के कहेंगे कि मेरे प्रश्न का समाधान कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न पुटली में यह भी कहा गया है कि जातक के मन में जब प्रश्न की इच्छा जागे तब वो पूछे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको रात 2 बजे दिमाग में प्रश्न सूझा और आपने ज्योतिष बाबा को फोन लगा दिया, तो वो बेकार है। प्रश्न का स्थान ये भी महत्वपूर्ण है। आप शमशान में प्रश्न नहीं कर सकते। आप किसी की अंतिम यात्रा में आए हैं, आपको ज्योतिष नजर आ गया और आप कहें कि अरे ज्योतिष जी मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो वहां वो प्रश्न का उत्तर वो ज्योतिष भी नहीं देगा आपको और आपको पूछना भी नहीं चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आपका अपना स्वर। स्वर जो है इससे मतलब है आपके श्वास लेने की प्रक्रिया से। सांस हमेशा हमारे नाक के दोनों छिद्रों से लगातार हम नहीं लेते हैं। कभी हमारा दाहिना हिस्सा एक्टिव होता है नाक का, कभी हमारा बायां हिस्सा एक्टिव होता है। और जानकार जानते हैं कि इन स्वरों को इड़ा और पिंगला शब्द से पहचाना जाता है। यानी बाएं नाक से, बाएं छिद्र से अगर आप सांस ले रहे हैं तो इसे इड़ा कहते हैं, और दाहिने छिद्र से अगर आप श्वास ले रहे हैं तो इसे पिंगला कहते हैं। और कभी कभी नाक के दोनों छिद्रों से अगर हम सांस लेते हैं तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। तो नाक के दोनों छिद्रों से श्वास हमेशा नहीं चलती, ये कभी कभी चलती है। तो प्रश्न के दौरान अगर नाक के दोनों हिस्सों से यानी कि सुषुम्ना स्वर अगर चल रहा है तो प्रश्न जिसने पूछा है उसके प्रश्न में कुंडली की अवस्था कुछ भी हो पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, शुभ अशुभ कुछ नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ ज्योतिष का बेसिक जो मैं ये बता रहा हूं, ये एक ज्योतिष को भी समझना चाहिए कि कब उत्तर सही निकलेगा, कब सही नहीं निकलेगा, कब उत्तर देना है और कब उत्तर नहीं देना है। एक ज्योतिष को इस सारी बातों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र मत के अनुसार जब इड़ा स्वर चल रहा हो तो जातक को स्थिर कर्म करने चाहिए। जिन कामों में स्थिरता होती है, जैसे कि कोई दुकान खोलना चाहता है तो उस वक्त अपने इस स्वर को पहचान सकता है कि ये शुभ मुहूर्त के लिए अच्छी बात है। यानी वो सोच रहा है अगर कोई स्थिर काम करने को, यानी प्रश्न पूछ रहा है आपसे जातक, तो आपका अगर बायां स्वर चल रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि हाँ तुमको इसमें सफलता मिलेगी। और दाहिना स्वर चल रहा हो, पिंगला चल रहा हो, तो जातक कठिन कर्मों को करता है, कठिन कामों में हाथ डालता है, उसको उसमें सफलता मिलती है। इड़ा के वक्त दूर देश की यात्रा जातक कर सकता है, देव प्रतिमा की स्थापना कर सकता है पूजा के लिए, यानी शुभ है वो। सुषुम्ना स्वर जिस वक्त चल रहा हो किसी जातक का, वो समय उसके लिए योगा अभ्यास के लिए अच्छा होता है, मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है। ये स्वर की जानकारी भी आपको होना जरूरी है। एक ज्योतिष को प्रश्न ज्योतिष का विचार करते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रश्न करते वक्त अपने किन अंगों का स्पर्श कर रहा है। यहां से भी आपको फलादेश करने में सुविधा होती है। इस पाठ को आप बॉडी लैंग्वेज से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है। मान लीजिए एक जातक आपसे प्रश्न करने आया और अपने माथे पे हाथ फेर रहा है, तो कुंडली देखिए बाद में पहले आप समझ जाइए कि वो अपने मान सम्मान को लेकर चिंतित है, आपके सामने आकर बैठा है। प्रश्न करने वाले की चेष्टा और हाव भाव को अपने बड़े ध्यान से देखना होता है। अगर वो चंचल है या स्थिर है, पैर हिला रहा है, कान को पकड़ रहा है, अपने कान को अगर छू रहा है, इसका मतलब उसने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसका वो प्रायश्चित करना चाहता है। तो प्रश्न कुंडली के दौरान एक ज्योतिष को कुंडली के अलावा जिन चीजों पे पकड़ होनी जरूरी है, मजबूत
पकड़ उस पे होनी चाहिए उसको, तभी वो अच्छा प्रश्न ज्योतिष का फलापेश करने वाला ज्योतिष बन पाएगा। लेकिन समस्या मैं आपको बता रहा हूं, समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि ज्योतिष की डेप्थ में ना हम लोग जा पा रहे हैं, ना हमें मौका मिलता है, ना समय मिलता है। और आज डिजिटल युग में सब कुछ हाथ में चाहिए वाले नेचर की वजह से प्रश्नकर्ता भी चट जल्दी उत्तर चाहता है। और प्रश्न ज्योतिष में खास करके मैंने एक चीज बहुत ख्याल की है कि हर जातक अपने प्रश्न का पॉजिटिव उत्तर ही चाहता है, उसे लगता है कि प्रश्न ज्योतिष से मेरा उत्तर हाँ ही आना चाहिए। ये एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है एक प्रश्न ज्योतिष के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, जब वो किसी जातक को कहता है कि नहीं, आप जो पूछ रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। छठा बिंदु है प्रश्नकर्ता की पोशाक, वो क्या पहन के आया है, किस तरह की उसकी रुचि है, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया है कि उसके कपड़े मैले कुचले हैं, ये इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। और सातवां बिंदु जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्न ज्योतिष का, इसको अगर आप नहीं समझ सके या इसको आपने अगर नहीं समझा तो आप कभी भी एक अच्छे प्रश्न ज्योतिष नहीं बन सकते, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, ज्योतिष प्रश्न ज्योतिष से आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। सातवां बिंदु है वो है तात्कालिक शकुन, शकुन अपशकुन का विचार प्रश्न ज्योतिष के वक्त बहुत जरूरी है, बिना इसके आपका प्रश्न पूर्णता नहीं पाता। मान लीजिए कुंडली में आपको जो पोजीशन बताई जा रही है उसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है, लेकिन उसी वक्त एक कुत्ता अगर रोने लगा या प्रश्न पूछते वक्त जातक ने प्रश्न पूछना शुरू किया और एक कुत्ता रोने लगा, कौवा कांव कांव करने लगा, तो आप उस प्रश्न को फेल समझिए, यानी जातक जो प्रश्न करने वाला है उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। ये आपको उस वक्त समझ लेना है, कुत्ते का रोना, कौवे का कांव कांव करना, ऐसे और भी छोटे मोटे बहुत से शकुन है, इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा शकुन शास्त्र के नाम से, तब बताऊंगा। यहाँ मैं बताना शुरू करूंगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन बातों को आपने ख्याल रखना है, ये सात बिंदु ऐसे हैं जो मैंने बताए हैं आपको एक अच्छा प्रश्न ज्योतिष बनाने में आपको मदद करते हैं। विशेष करके शकुन शास्त्र को आपने प्रश्न ज्योतिष के दौरान बहुत गहराई से समझना है। मान लीजिए किसी ने संतान से संबंधी प्रश्न किया और उसी वक्त किसी बच्चे के रोने की आवाज आ गई, तो संतान संबंधी शुभ इंडिकेशन इसको समझिए। किसी ने विवाह से संबंधी प्रश्न किया और आपके सामने एक विवाहित स्त्री उस वक्त अगर आ गई तो आप विवाह के लिए पॉजिटिव इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह के शकुन आपको ख्याल रखने जरूरी होते हैं प्रश्न कुंडली के दौरान। मैं फिर अपनी एक बात दोहराना चाहता हूं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं प्रश्न कुंडली के ये वीडियो या प्रश्न कुंडली कैसे सीखे ये वीडियो उनके बहुत काम आएंगे। चट जल्दी बहुत मजेदार बातें कुछ खास इसमें नहीं मिले शायद, लेकिन जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए इन वीडियो में बहुत कुछ है। ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।